कोई एब्सेंट हुआ तो क्लास रिकॉर्डिंग भेज दो। फीस कलेक्शन ऑटोमेटिक। मार्केटिंग कैसे करेंगे? टीचमेंट वेबसाइट बना के देगा ना। टीचमेंट? अब पूरे इंडिया को मैथ्स पढ़ाओ सर। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर वन टीचिंग ऐप। तो चलिए साथियों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 23 तारीख को एक मीटिंग होनी है प्रमोशन रिलेटेड, मैं आपको बता दूँ वो क्या है। समझ नहीं पाए हैं थोड़े से बच्चे, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ क्या है वो। यहाँ पर आप देखेंगे प्रमोट होने वाले छात्रों की अगले वर्ष परीक्षा कराना अव्यवहारिक। ये तो सही बात है कि एक साथ दोनों नहीं कराना चाहिए, तो भाई इसका प्रमोशन का मतलब तो कोई नहीं निकला। बात सही है, इसको तो भाई सुधारना पड़ेगा। अगर आपको कराना है एग्ज़ाम तो इसी वर्ष कराइए, एक साथ आप तो नहीं कराएंगे। ठीक, अब इसमें देखिए क्या क्या बोला गया है। समिति की सिफारिश पर राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ समिति को आपत्ति। ठीक, अब एक चीज़ आप समझिए, ओटा हैं उनको खुशी है, जो अपडेट्स मिली हैं समिति से वो खुश हैं, तो अलग अलग तरीके के होते हैं, वो भी शिक्षक संघ के हैं, ये राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के हैं, तो सभी लोग अपना अलग अलग तरीके से करेंगे। ठीक है, यही है कि देखिए इससे नाराज़गी है, जो ये बनाया गया है ना कमेटी ने, रुको यार बताते हैं, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। जैसे मान लीजिए ओटा हो गया, उसने बोला कि ठीक है एग्ज़ाम आप ले रहे हैं वो सही है, क्योंकि लेकिन उसमें लड़कों को गैप मिलना चाहिए थी, ये भी सही बात है। सेम मैं ओटा से एकदम पूरी तरीके से सहमत हूँ, ठीक है, जो उन्होंने बोला प्रमोशन लेकर। अब जो राष्ट्रीय ये बताया मैंने कि जो महासंघ है राष्ट्र का, उसने बोला कि ये ठीक नहीं, व्यवहारिक नहीं है, हम लोग चाहते हैं कि एक नया इनका, देखिए 23 मई को ये लोग अपना वर्चुअल वो मीटिंग लेंगे और उसमें इसका विरोध करेंगे, जो यहाँ पे समिति ने रिपोर्ट बना के गवर्नमेंट को सौंपा है उसका ये विरोध करेंगे और ये मांग करेंगे कि आप एक नए तरीके से प्रमोशन का फार्मूला तय करें। ठीक है, इस पे मीटिंग करना है, ये इन लोगों का है, इससे तो विशेष मतलब नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि ये जो तीन समिति ने बना के दिया है, गवर्नमेंट ने इसके ऊपर भरोसा किया है और इन्होंने बहुत अच्छे से, ये भी बड़े अच्छे लेवल अधिकारियों से बात करके और हर यूनिवर्सिटी संपर्क करा करके तब ये रिपोर्ट सौंपी गई है। हाँ, कुछ इसमें चेंजिंग होने चाहिए, जिसका मैं भी सपोर्ट करता हूँ कि अगर एग्ज़ाम्स लेने हैं तो एक एग्ज़ाम आप अक्टूबर नवंबर में ले लीजिए अगर हालात ठीक रहते हैं, और एक आप अप्रैल या मई में लीजिए। ठीक है, इस आधार पर आप एग्ज़ाम सेकेंड ईयर वालों का करा सकते हैं, और फिलहाल यही चीज़ें 23 को कुछ होने वाला नहीं है, विरोध करेंगे। ठीक, ये लेटेस्ट अपडेट है, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, बने रहिए इन्फोपोर के साथ।